इवेलुएट uh, करना है आइडेंटिटी यूज़ करके फर्स्टली हमें क्या दिया है वन थाउजेंड वन तो हमें पहले इसको बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि हम वन थाउजेंड वन को किस तरह से लिख सकते हैं हम वन थाउजेंड वन को लिख सकते हैं थाउजेंड प्लस वन वन थाउजेंड वन स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस में वन कंप्लीट स्क्वायर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब ये किसका फॉर्मूला हो गया है ए प्लस में बी स्क्वायर का और ए प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है तो देखो ए के इस पे क्या है हमारा वन थाउजेंड है तो ए के इस पे हमने वन थाउजेंड का स्क्वायर कर दिया अब यहाँ पे टू ए बी टू ए के पैलेस पे वन थाउजेंड है और बी के इस पे क्या है हमारा वन है तो प्लस में यहाँ बी स्क्वायर है तो वन स्क्वायर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन अब देखो स्क्वायर की बात आती है तो वन के पीछे वन जीरो है टू से टेन का स्क्वायर जो होता है वो एक जीरो और बढ़ जाती है और अगर हंड्रेड का स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे टू जीरो थी तो इतनी ही जीरो और लग जाती हैं यहाँ थ्री जीरो होती तो सिक्स जीरो हो जाती तो यहाँ पे वन थाउजेंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री जीरो हैं तो थ्री जीरो और बढ़ जाएंगी प्लस में टू इन टू थाउजेंड टू थाउजेंड बन जा टू थाउजेंड और वन का स्क्वायर क्या रहता है हमेशा वन ही रहता है और हम अब इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे वन अब क्या है हमारा टू थाउजेंड है तो फिर बच गया कितना है हमारा हंड्रेड दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट इज नाइन्टी टू 92 टू 92 स्क्वायर है जो उसको हम किस तरह से लिखेंगे उसको लिखेंगे हम हंड्रेड माइनस एट स्क्वायेयर और इसको सॉल्व कर लेंगे किससे ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर ए के पैलेस पे हंड्रेड रखेंगे बी के पैलेस पे एट रखेंगे और इस सम को सॉल्व कर देंगे थर्ड पार्ट में क्या दिया है फोर्टी सेवन स्क्वायर फोर्टी सेवन स्क्वायर दिया है तो फोर्टी सेवन को हम क्या लिखेंगे फोर्टी सेवन को हम लिख सकते हैं फिफ्टी माइनस में थ्री स्क्वायर और फिफ्टी माइनस थ्री स्क्वायर वाला अप्लाई होगा, तो ये आपको खुद करना है। 165, कम है फाइव तो देखो ये वन हंड्रेड सिक्स प्लस फाइव हो रहा है और ये कितना है 160 5 हो रहा है तो ये वैल्यू सेम है टू से क्या है हमारी ए है ये वाली वैल्यू सेम है टू से ये क्या है हमारी बी है तो फॉर्मूला क्या बन गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी और ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए के पहले इस पे हमें पुट करना है वन हंड्रेड सिक्सटी स्क्वायर और बी के पहले इस पे हमें पुट करना है फाइव स्क्वायर तो सिक्सटीन का स्क्वायर होता है टू फाइव सिक्स और वन जीरो जीरो तो उसकी डबल हो जाएंगे माइनस ट्वेंटी फाइव और इनको सब कर देना आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट में सेवन पॉइंट सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स स्क्वायर अब देखो सेवन पॉइंट में सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स पॉइंट में सिक्स स्क्वायर इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ये इस फॉर्मूले का उल्टा दिया गया है आंसर दिया है आंसर से ये क्वेश्चन में पुट करना है तो ए प्लस बी हो जाएगा एक वैल्यू और एक वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी तो एक बार सेवन पॉइंट सिक्स और सिक्स पॉइंट सिक्स को प्लस कर देंगे एक बार सेवन पॉइंट सिक्स में से सिक्स पॉइंट सिक्स को माइनस कर देंगे सिक्स सिक्स ट्वेल्व सेवन सिक्स थर्टीन एंड वन फोर्टीन पॉइंट टू हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये ये हो जाएगी हमारी जीरो पॉइंट में वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी वैल्यू आएगी वन पॉइंट फोर टू सो नेक्स्ट इज वन हंड्रेड थ्री तो वन हंड्रेड थ्री है बोलने में ही देखो कैसे पता चल रहा है कि ये वन हंड्रेड एंड थ्री है इसका क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस में बी स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें क्या वैल्यूज दी गई है देखो ब्रैकेट में जुड़ी हुई है यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पे ये सिंबल हम किस चीज का मान लें मल्टीप्लाई का सिंबल मान लेते हैं इनके बिटवीन में ये फॉर्मूला देखो हमारा क्या बन रहा है ये वैल्यू हमने मान ली ए है सेम है ये सेम बी है तो फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी और इसी तरह से ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र ए स्क्वाइनस बी स्क्र इस तरह से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वैल्यूज क्या दी है मैं डायरेक्टली यहाँ से राइट करूंगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर के पहले इस पे है टू एक्स और बी के पहले इस पे है हमारा फाइव वाई उसके बाद माइनस सिंबल है फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर क्या है हमारा फोर एक्स स्क् और माइनस में बी स्क्र है थ्री वाई बट बाहर माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा तो अब देखो टू एक्स स्क्वायर आ गया तो टू टू जाोर एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस में नाइन वाई स्क्र

सेवन ए प्लस में फाइव बी यहाँ पे देखो फार्मूले हमारे पास क्या बन रहे हैं ये बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर और ये क्या बन रहा है ए प्लस में बी स्क्वायर बीच में माइनस सिंबल से जुड़े हुए हैं पहले ये वाला फार्मूला कंप्लीट लिखना है फिर ये वाला फार्मूला कंप्लीट लिखना है और माइनस के माइनस साइन बीच में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है इसमें हमें फॉर्मूले पुट करते जाना है और सम को सॉल्व करते जाना है देखो हम इस सम को भी कैसे करेंगे मैं आपको ये भी समझा देती हूँ वैल्यू दी गई है हमें सेवन ए माइनस फाइव बी मैं डायरेक्टली आपका जो है वैल्यू पुट करूंगी फॉर्मूले के अंदर सेवन ए ए है तो सेवन ए स्क्र माइनस टू इंटू ए बी तो ए इतना है और बी इतना है प्लस में बी स्क्वायर फाइव बी स्क्वेर फर्स्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है अब माइनस सिंबल से ऐड है ना अगली कितना दे रखा है हमें सेवन ए तो सेवन ए स्क्स में टू ए बी तो सेवन ए इंटू में फाइव बी एंड प्लस में फाइव बी अब इसको सॉल्व करें तो देखो सेवन सेवन जाओ

अब क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं ये सेम रहेगी इसके आगे कोई साइन नहीं है और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी चेंज हो जाएगी माइनस सिंबल है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे फोर्टी नाइन ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस सेवेंटी ए बी प्लस है तो माइनस ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर अब देखो फोर्टी नाइन ए स्क्वायर से फोर्टी नाइन ए स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो बच गया कितना माइनस सेवनटी ए बी तो माइनस वाली वैल्यू वैसे प्लस हो जाएगी लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा 70 सेवेंटी वन फोर्टी वन फोर्टी ए बी इज आवर आंसर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाला सम बिल्कुल सेम इसी के जैसा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है इसी तरह से इसको करना है ये सम देखो आपका कैसे हो जाएगा a- माइनस बी ए प्लस बी तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्केयर माइनस में वाई स्क्वेयर यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव सिंबल से एडजस्ट है और ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल कर देंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वेयर जेड स्क्वायेयर से जेड स्क्वायेयर और आंसर विल बी जीरो इसी तरह से हमें इनको सॉल्व करना है ये देखो ये फॉर्मूला एक्सकेयर प्लस एक्स प्लस में वन एंड एक्सकेयर माइनस एक्स प्लस वन इसी तरह से यहाँ दे रखा है एक्सकेयर प्लस में टू एक्स प्लस टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस टू इनको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई के ड्यूरिंग इनको सॉल्व करना है इसी तरह ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री है एक्स माइनस थ्री है ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला बना के और इनको क्या करना है आपको सॉल्व करना है कंप्लीट को सो कंप्लीट फिफ्थ सम यू विल योर सेल्फ नाउ नाउ इन क्वेश्चन नंबर गिव यू वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इन टू वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स मींस टू से ये क्या बन रहा है हमारा कोई भी एक नंबर है ए स्क्वायर ये भी कोई एक नंबर है लेकिन सेम है तो बी स्क्वायर बन गया ए स्केर माइनस बी स्क्वेयर तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखो ध्यान से समझना बाकी के सारे जो नंबर हैं जो सम uh, है वो सेम है दोनों तो ये देखो ए स्केयर माइनस बी स्क्र इसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए ए माइनस बी ए प्लस बी तो वन सेवेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फोर एंड वन सेवेंटी सिक्स प्लस में वन ट्वेंटी फोर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही नंबर आने चाहिए अपोन में कितना दे रखा है हमें फिफ्टी टू दे रखा है अब देखो सिक्स में से फोर आउट हुए टू सेवनटीन में से ट्वेल्व आउट हुए फाइव और इनको ऐड करेंगे तब ये कितना हो जाएगा फोर टेन जीरो एंड थ्री थ्री हंड्रेड अपोन में फिफ्टी टू दिस फिफ्टी टू टू दिस फिफ्टी टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया थ्री हंड्रेड बहुत ही सिंपल सम है ये सेम दो जो टू पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ही सेम है इसके सो so, स्टूडेंट your today's work is question number 4th 5th and 6th complete do in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting thank you student have a nice day